तो पिछले दिन हम स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि में है यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ और री आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो ऐसे क्रमशः लिखने से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है क्या हो गया क्रमशः ए, ओ और अर। तो इसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले आया है यहाँ अ या आ, तो अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो क्रमशः में सबसे पहले ए है, यानी अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। जैसे अ जोर ह्रस्व ई बराबर ए, अ जोर दीर्घ ई बराबर ए, आ जोर दीर्घ ह्रस्व ई बराबर ए, आ जोर दीर्घ ई बराबर ए। अब इसका हम उदाहरण में देखते हैं कि देव जोर इंद्र बराबर देवेंद्र, यहाँ प्लस के इधर देखते हैं, प्लस के बाई तरफ प्लस के दाई तरफ, तो प्लस के बाई तरफ देव में नहीं कुछ है तो क्या है अ है। तो अ और ई इंद्र के प्रथम अक्षर ह्रस्व ई है तो ई, तो दोनों मिलाकर हो गया ए। तो देव में एकर ए की मात्रा लग गया देवेंद्र, ठीक। तो देव जोर इंद्र देवेंद्र में अ जोर ह्रस्व ई दोनों मिलाकर बन गया ए, इसलिए यहाँ व में एक मात्रा लग गया। उसी प्रकार यहाँ देव में अ है और फिर इस में दीर्घ ई है तो दोनों मिलाकर ए की मात्रा बना, तो व में एक ही मात्रा लग गया देवेश। और महाजोर इंद्र बराबर महेंद्र है तो आ है, यहाँ आ की मात्रा है तो आ जोर ह्रस्व ई बराबर ए, यानी हवा में ए की मात्रा लग गया। फिर आ जोर दीर्घ ई बराबर ए होता है तो महाजोर ईश्वर महेश्वर हवा में ए की मात्रा लग गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में जैसे पूछ सकता है देव जोर इंद्र में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो हम देख लेंगे प्लस के बाई तरफ प्लस के दाई तरफ, प्लस के बाई तरफ व है, व में आ आ है कोई मात्रा नहीं है तो, और फिर ह्रस्वी है। फिर देखते हैं देव में कौन सी मात्रा लग गया, ए की मात्रा लग गया तो हम कहेंगे देव में अ जोर ई बराबर ए, यानी अ जोर ई बराबर ए। या पूछ सकता है देव जोर इंद्र में कौन सा स्वर संधि है, तो हम ये याद रखेंगे अ या आ के बाद हरसी या दीर्घ जाए तो ए हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये गुण संधि है, ठीक। अब अगला उदाहरण लेते हैं, तब तक के लिए आप नोट कर सकते हैं इसको। तो अब अगला उदाहरण देखते हैं कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ रहे तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। तो अ जोर ह्रस्व बराबर ओ, अ जोर दीर्घ उ बराबर ओ, आ जोर ह्रस्व बराबर ओ, आ जोर दीर्घ उ बराबर ओ। पुनः है अ या आ के बाद री रहे, री आए तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है। तो अब यहाँ उदाहरण में देख लेते हैं, तो अ जोर ह्रस्व बराबर ओ का चंद्र जोर उदय बराबर चंद्रोदय, तो चंद्र में अ है और फिर प्लस के दाहिनी तरफ उ है तो दोनों मिलाकर हो गया ओ। यहाँ द्र में ओ की मात्रा लग गया, यहाँ द्र में ओ की मात्रा लग गया। उसी प्रकार समुद्र में अ है और उर्मी में दीर्घ उ है तो दोनों मिलाकर ओ हो गया है, तो ओ यहाँ द्र में ओ की मात्रा लग गया, समुद्र जोर उर्मी बराबर समुद्रोर्मी। अब आ जोर ह्रस्व बराबर ओ होता है तो महा में आ है और उत्सव में उ है, तो अब यहाँ पर ह में ओ की मात्रा लग गया है तो महा जोर उत्सव बराबर महोत्सव। उसी प्रकार गंगा जोर उर्मी गंगोर्मी, मैंने आ जोर दीर्घ उ बराबर
गो में ओ की मात्रा लग गया यहाँ तो ओ हो गया गंगोरमी। अब ओ जोर री बराबर अर, तो देव में ओ है री बराबर अर, अर का मतलब हो गया वो देव वही रहेगा और बीच में अर्ध रो आएगा यानी अगला वर्ण पर रेफ आ जाएगा यानी बीच में यहाँ देव जो ऋषि बराबर देवर्षि यहाँ बीच में रो हलंत है इसलिए सौ में हर्षिकर पर रेफ है यानी कि इस बीच में रो हलंत है। उसी प्रकार महा जो ऋषि बराबर महर्षि, तो यहाँ भी मो और ह और सी के बीच में रो हलंत है ठीक है तो अर हो जाता है। तो अर मतलब कि महर्षि, इसमें देखो ह और सी के बीच में अर है, हम कोई मात्रा नहीं लगा है और सी के सी पर रेफ है इसका मतलब बीच में रो हलंत है। तो आज इतना ही, आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल STD विथ KPD चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।